तो मैं अभी आया हूँ बागेश्वर में, और जैसे जो हमारा फेमस है वो है बाल मिठाई, उसी की खोज में। और खोज करते हुए अभी हमें फेमस मिले हैं मोहन स्वीट्स, उनसे एक टुकड़ा मैं ले चुका हूँ, और अब उनसे पता करते हैं कि भाई ओरिजिनल या ऑथेंटिक यहाँ का है या चंपावत का है या अल्मोड़ा का। राजू बताइए। सर जी, दुकान तो मेरे पिताजी के नाम पर है, मोहन स्वीट्स मोहन चंद्र भट्ट, और दुकान को तकरीबन 36 साल हो गए हैं। दुकान मेरे से 1 साल बड़ी है, और ये पार्ट को भी उतना ही टाइम हो गया है, कस्टम मेड पार्ट है। एक्चुअली क्या है कि ये दुकान थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि क्वालिटी मैटर्स करती है हमारे लिए, और लिमिटेड माल बनाते हैं, केवल पहाड़ी खोए का, कोई बाहर का खोया इस्तेमाल ही होता है, सीता खेत का खोया रहता है, अल्मोड़ा का खोया रहता है, केवल पहाड़ी खोया और घी और कुछ का और शक्कर हो गया बस। तो इसलिए काफ़ी लोग पसंद करते हैं। बागेश्वर में पिताजी का नाम काफ़ी है मिठाई की बदौलत, उनकी क्वालिटी भी वैसे ही है, इसलिए थोड़ी मिठाई एक्सपेंसिव है, बट यू विल गेट वट एवर यू विल एक्सपेक्ट। रियली अप्रिशिएबल। एंड व्हाट्स योर गुड नेम? बोला तरुण भट्ट। तरुण? तरुण भट्ट। तरुण भट्ट। और ये तरुण के साथ बात करते हुए, मैं आपका रविंदर यहीं बागेश्वर से, और मैंने असली में इसकी अभी एक पीस को टेस्ट किया तो अमेजिंग, मतलब जो मेरे को लगा, वैसे तो वहाँ पे भी खाया है। तो अगली बार मैं क्या करूँगा कि जब मैं जा रहा हूँ अल्मोड़ा के लिए, या प्रोबेबली जब मैं अभी पिथौरागढ़ जाने वाला 2-3 दिन में, तो तब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से एक लेके जाऊँगा, चंपावत वाला उठाऊँगा, और कहीं से मतलब वो अल्मोड़ा का, और फिर तीनों में पता किया जाएगा कि क्या है सबसे बेस्ट। चलिए।